नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी जेई पार्ट ऑफ अन अकेडमी में। तो हमारा एक सीरीज चल रहा है इंपॉर्टेंट फार्मूला का। अभी हम लोग ऑप्टिक्स के सारे फार्मूले देख रहे हैं, तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये फार्मूला एक बार शॉर्ट टाइम वीडियो, ये सब वीडियो जो छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, लास्ट टाइम पर जब एग्जाम के लिए आप मतलब फाइनल एग्जाम देने के लिए जाएँ तो एक बार जल्दी से इस सब फार्मूला को रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच का जो रिश्ता होता है, जो रिलेशन होता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग को पता है कि मैग्निफिकेशन जो होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो हमेशा यूज होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है। अब देखो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहां से लाइट गई, ये रिफ्रैक्शन सरफेस है, यहां से लाइट गई और यहां पे क्या बन गया बच्चों, यहां पे इमेज बन गया। तो ये मान लेते हैं एंगल अल्फा है और ये एंगल मान लेते हैं कुछ रिफ्रैक्शन हुआ होगा, एंगल मान लेते हैं बीटा है। तो अब मान लो tan alpha इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan alpha इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना, ये बाय ये, तो ये बाय ये, और अल्फा बहुत छोटा है तो हम इसको अल्फा लिख दिए। और सिमिलरली tan beta इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, v है, तो हमने यहां पे लिख दिया। यहां पे स्नेल्स लॉ हमने लगाया। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, n1 into sin alpha इक्वल टू n2 into sin beta, क्योंकि दोनों अलग अलग सर्फेस के लिए स्नेल्स लॉ हम लोग यूज कर सकते हैं, तो यहां पे हमने स्नेल्स लॉ यूज कर दिया। यहां पे आपको अल्फा पता है यहां से कि ho / u है और बीटा पता है, तो हमने यहां पे वैल्यू पुट कर दी। तो फाइनल जो मैग्निफिकेशन है आपका, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो है आपका बच्चों, कितना आया है, कितना आया है, n1 by n2 इंटू वी बाई यू, n1 by n2 into v by u। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, इस फॉर्मूला को भूलना नहीं है, फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ठीक है। hi by ho है तुम्हारा, वहां से देख लीजिए कितना आएगा तुम्हारा, hi by ho देख लीजिए कहां से कितना आएगा आपको। यहां पे देखो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, ho by u थी, मैंने यहां पे पुट कर दी, n1 था, n2 था, hi by v था। ho को इधर लेके चले गए तो n1 ऊपर रह जाएगा और n2 नीचे चला आएगा, तो ये फॉर्मूला आपका आएगा, ये फाइनल फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिमाग में रखिएगा। इसी तरह के फॉर्मूला के साथ हम फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।